दसवीं के परिणाम का सभी छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें रात से ट्यूशन क्लासेस खपरखेड़ा इन ट्यूशन क्लासेस को 100% परिणाम मिला है। इस साल रात से ट्यूशन क्लासेस द्वारा अखंड 100% परिणाम की परंपरा को बनाए रखा गया है। हाल ही में घोषित परिणामों में रिया अतकरी इसे 97%, दिव्या निकम 96%, विद्या पाटिल 96%, निकिता ठाकरे 95% अर्जित हुए हैं। राजसी ट्यूशन क्लासेस की शिक्षिका मंगला अतकरी और सभी शिक्षकों ने सभी छात्रों की सराहना कर उन्हें सम्मानित किया। सभी शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने सभी छात्रों को बधाई दी और उनके भविष्य के जीवन में सफलता की कामना की। छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय राजसी ट्यूशन कक्षाओं के शिक्षकों एवं अभिभावकों को दिया। मैंने अपनी कोचिंग से राजसी ट्यूशन क्लासेस से ली थी। यहाँ पर टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। सारे टीचर्स हमें जितने भी डाउट्स वगैरह आते थे वो हमारे सब तभी के तभी क्लियर करके देते थे, या फिर कभी हमें कोई डिप्रेशन फील होता था या कोई स्ट्रेस रहता था पढ़ाई का, तो टीचर्स हमें मोटिवेट करते थे और हमें मतलब मोटिवेट करते रहते थे कैसे पढ़ाई करना है। यहाँ पर हमारे लिए हमेशा गेस्ट लेक्चर्स होते रहते थे, वीकली टेस्ट सीरीज होती थी और टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। हमें अगर घर जाके कोई डाउट्स आते थे तो हम उन्हें भेज देते थे डाउट्स व्हाट्सएप पर, फिर वो हमारी क्वेरीज तभी के तभी कुछ ही देर में सॉल्व कर भेज देते थे और हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाता था। और हमारे टीचर्स हमें सब कुछ प्रैक्टिकली समझा कर देते थे और स्मार्ट लर्निंग भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुई थी। जैसे हमारे टीचर्स हमें स्मार्ट बोर्ड पर सिखाते थे और वहाँ पर भी 3D ऑब्जेक्ट्स वगैरह दिखाकर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। आई टुक माई कोचिंग्स इन राजसी ट्यूशन क्लासेस। द रीज़न बिहाइंड माई सक्सेस इज द स्ट्रगल बिहाइंड द स्टडीज एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी टू द स्टडीज। आर coachings in the tuition helped me very much to score this much great marks. Our teachers are always devoted to us. They helped us in every situation. Whenever we used to get any of the doubts, they are always ready to solve our doubts. और मैं RTC and Graduate Tuition Classes का एक student हूँ और मैंने class 10th में 91.8% marks secure करे। तो मैं आज आपके साथ मेरा Graduate Tuition Classes के साथ जो experience है वो share करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे टीचिंग क्वालिटी वो तो हाई क्लास की है और टीचर्स हमारे लिए 24/7 अवेलेबल रहते थे, चाहे डाउट्स हो या कोई अदर प्रॉब्लम्स। अगर आप कितने भी रात के 12 बजे अगर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो डाउट का, तो वो सर या मैम तभी के तभी क्लियर कर देते थे। और फैसिलिटीज भी कोई कम नहीं है, जैसे डिजिटलाइज क्लासेस है, हर क्लास में स्मार्ट बोर्ड लगे हैं और असिस्टेंट टीचर्स भी है, मतलब जो स्टूडेंट्स पे चेक करते रहते हैं अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं नहीं। हर स्टूडेंट पे पर्सनल अटेंशन जाता है मैम का और हर बैच में लिमिटेड स्टूडेंट्स ही रहते हैं। और से क्लासेस के बाद 1-on-1 डाउट सेशंस और लाइब्रेरी अवेलेबल है, जिसमें बुक्स और स्टडी मटेरियल बहुत सारा है जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब। अनुभव है आपका इस ट्यूशन क्लासेस का और कितने साल हो गए, आप किस तरीके की फैसिलिटीज स्टूडेंट को मुहैया हुई जाती है, तो क्या कहना चाहूँगी मैं? 2010 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ एंड वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी जस्ट लाइक द डिजिटल क्लासरूम वी आर हैविंग इंग्लिश क्लासेस एज वेल एज द वैन सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर इजी मूविंग। वी आर हैविंग द फैसिलिटेड लाइब्रेरी वेयर द डिफरेंट बुक्स विच इज नीडेड फॉर द 10th क्लास प्रिपरेशन वी आर हैविंग हियर। Even we are every day we used to have the doubt session for the students. After the classes, those students are getting the doubt. That day doubt we are clearing on that day itself. So for moving on for the next topic, students do not get the difficulty because each topic is depend on the previous topic. So for that purpose, as we are keeping the doubt session, so students are getting clear all the doubts and they could study well. As well as before the examination, we are taking the extensive preparation of that. We are taking the test series of them. Even in every test which used to be takes place in their school, periodic test as well as the annual test. So before that we used to take the practice of them. So before the paper of the board examination, even we have taken the hundreds of paper practice and do that reason only most of the students in term 1 examination also, they got the out of marks in the math as well as in other subjects also too. Even now also, not only the science and math we are focusing, but also we are focusing on the other subject also, because to get a good percentage, each subject is equally important. And due to that only, our students got out of in English,
as well as in Hindi subject also too. So we used to provide them the guest lecture for the Hindi grammar as well as the social. सिलवाड़ा से NBC न्यूज़ के लिए मयूर तिरपुड़े की रिपोर्ट।